नमस्कार। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं? हर दिन वो जो दो चार शब्द सीखते हैं उनका इतनी बार प्रयोग कर लेते हैं कि उनकी शब्दावली में वो अपने आप जुड़ता चला जाता है। आप इस वोकैबलरी बढ़ाने के तरीके को चरणों में बांटकर सीख सकते हैं। बच्चे के तरीके पर गौर करें तो इसका पहला चरण होगा अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। इस स्थिति में बच्चे को पता नहीं होता कि इस वस्तु या इस भाव के लिए कोई शब्द भी होते हैं। वो इशारों से काम चला रहा होता है। थोड़ा बड़ा होते ही बच्चा दूसरे स्तर पर आ जाता है, जिसे कॉन्शियस इनकम्पिटेंस कहते हैं। इस स्तर पर बच्चे को पता तो होता है कि इसके लिए शब्द हैं, लेकिन या तो उसे शब्द पता नहीं या फिर वो शब्द भूल गया होता है। कभी कभी वो सही उच्चारण नहीं कर पाता। थोड़ा और आगे बढ़ने पर बच्चा कॉन्शियस कॉम्पिटेंस के स्तर पर पहुंच जाता है। इस स्थिति में बच्चा शब्द सीख गया होता है। थोड़ी कोशिश करने पर उसे शब्द याद आ जाता है। धीरे धीरे बोलकर वो सही उच्चारण कर लेता है। थोड़े समय के अभ्यास से बच्चा अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के स्तर पर होता है। अब उसे याद नहीं करना पड़ता कि शब्द क्या था। कोई और काम करते करते भी अपने आप उसके मुंह से सही शब्द ही निकलेगा। गाड़ी चलाना सीखने में भी ऐसा होता है। पहले बच्चों को पता नहीं होता कि गाड़ी से पैदल की तुलना में कहीं तेजी से, कहीं ज्यादा आराम से, कहीं भी आया जाया जा सकता है। दूसरे स्तर पर वो साइकिल गाड़ी चलाना सीखने की कोशिश करता है। तीसरे स्तर पर गाड़ी चलाने वाले लोग काफी संभल संभल कर धीमी गति से पहले मोहल्ले की सड़कों पर और फिर पूरे शहर में गाड़ी चलाने लगते हैं। फिर ये कोई काम नहीं रहता। अंतिम स्तर में आप अपने बगल की सीट पर या पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति से बात करते करते भी आराम से गाड़ी चला रहे होते हैं। शब्दों को सीखने की अगर हम बात करें तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन पर आधारित सवाल होते हैं। इसके अलावा ऐसी परीक्षाओं में रीडिंग कम्प्रिहेंशन वाला हिस्सा होता है, वहाँ भी अच्छी वोकैबुलरी काम आती है। अब ये सवाल उठता है कि जिस स्तर की वोकैबुलरी की इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपेक्षा की जाती है वो कैसे सीखें? इसके लिए फ्लैश कार्ड एक अच्छा तरीका हो सकता है। कई बार मेरे जैसे लोग अच्छी वोकैबुलरी का शौक रखते हैं, आम लोगों से बेहतर इंग्लिश लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, इसलिए भी सीख रहे होते हैं। हमने खुद इसी वजह से फ्लैश कार्ड चुने थे। अब देखते हैं कि ये फ्लैश कार्ड काम कैसे करते हैं। हमने अपने काम के लिए वाइब्रेंट पब्लिशर्स का फ्लैश कार्ड मंगवा लिया था, जो कि आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध है। जैसे बच्चे के पास भाषा सीखते समय एक माहौल होता है, उसके आसपास के लोग ऐसे नए शब्द बोल रहे होते हैं जिनसे सीखा जा सके, वैसा माहौल इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए नहीं मिलता। आपकी जेब में 5 फ्लैश कार्ड हों जिन पर नए शब्द लिखे हों, तो ये माहौल आप अपने आसपास खुद ही बना लेते हैं। जब भी समय मिले, याद आए, दिन में 2-4 बार अगर ये कार्ड्स निकाल कर देख लिए जाएं तो वो आपको अपने आप याद भी होने लगते हैं। ये फ्लैश कार्ड जो मैंने खरीदे थे वो एक खास डिजाइन में बने हैं। इनमें सबसे ऊपर एक सीरियल नंबर है, जिससे मुझे यह याद रखने में सुविधा होती है कि मैं 235 नंबर शब्द तक पढ़ चुका हूँ या 715 पे पहुंच गया हूँ। उच्चारण के लिए शब्द को सिलेबल्स में तोड़कर ऊपर के दाहिने कोने पर लिखा गया है, इससे उच्चारण में सुविधा होती है। बीच के हिस्से में वो वर्ड है जिसे हम लोगों को सीखना होता है, और व्याकरण के हिसाब से वो वर्ड वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन क्या है, ये भी बता दिया गया है। कार्ड पर पीछे की तरह वर्ड का मीनिंग यानी उसका अर्थ लिखा हुआ होता है, फिर उसका वाक्यों में प्रयोग बताया गया है, और सबसे अंत में उसके सिनोनिम और एंटोनिम भी मिल जाते हैं। मेरे सीखने का तरीका यह है कि मैंने पहले कार्ड के आगे पीछे दोनों तरफ देखकर शब्द को सीख लिया। दूसरी बार जब मैं अपनी शर्ट की जेब से कार्ड निकालता हूँ तो बिना पीछे की तरफ उसका मतलब देखे खुद उसे याद करने की कोशिश करता हूँ। एक बार में सभी 5 शब्द याद नहीं होते, 1-2 बार मुझे पीछे पलट कर देखना पड़ता है। आमतौर पर सुबह से शाम तक में मैं वर्ड मीनिंग और कई बार सिनोनिम एंटोनिम भी सीख चुका होता हूँ। इस डब्बे में 1496 कार्ड्स हैं, करीब करीब 1500 कार्ड्स। दूसरे प्रकाशनों से ऐसे ही फ्लैश कार्ड जो आते हैं उनसे ये गिनती में करीब करीब 2 गुना था। कार्ड के कागज की मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं है, आसानी से शर्ट के पॉकेट में विजिटिंग कार्ड की तरह आ जाता है, और इसीलिए हम इसे आसानी से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। नॉर्मली सुबह कहीं ऑफिस या काम के लिए निकलते वक्त मैं इन्हें अपनी जेब में रख लेता हूँ। इनकी एक वेबसाइट है जिसके जरिए परीक्षाओं की तैयारी करने वाले वोकैबुलरी का टेस्ट भी दे सकते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए ये फ्लैश कार्ड एक अच्छा तरीका है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार किसी नई किताब किसी नए तरीके के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।